मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के ज्ञानवापी के बाद महाराष्ट्र में धार्मिक जगह पर विवाद शुरू हो गया है। मामला मलंगगढ़ का है, जिसे लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कह दी। देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो, हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत, त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कल्याण में पहुंचे तो हरिनाम सप्ताह में शिरकत करने, लेकिन उन्होंने इसी मलंगगढ़ मजार के खिलाफ आनंद दिघे के आंदोलन का जिक्र करते हुए मलंगगढ़ की मुक्ति का ऐलान कर दिया। सीएम शिंदे के इस बयान के बाद मुस्लिम समाज की नाराजगी सामने आई तो हैदराबाद वाले ओवैसी साहब की एंट्री हो गई। ओवैसी ने सीएम शिंदे पर ही लोगों को उकसाने का आरोप लगा दिया। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम और डेप्यूटी सीएम आपराधिक करतूतों का जश्न मना रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, ये अयोध्या केस के फैसले का प्रमाण है। अदालती फैसले से ही इन्हें प्रोत्साहन मिला होगा। संविधान की शपथ लेने वालों को मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने पर कोई शर्म महसूस नहीं होती। मलंगगढ़ पर सियासी विवाद 4 दशक पुराना है। कई बार शिवसेना इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन पिछले कई सालों से मसला ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब सीएम शिंदे के ताजा बयान के बाद इस मुद्दे को फिर से हवा मिल गई है। मलंगगढ़ मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है या फिर मजार, अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि यहाँ गुरु मच्छिंद्रनाथ की समाधि है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे सूफी संत बाबा अब्दुल रहमान मलंग की मजार मानता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ 7वीं सदी में मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐतिहासिक रूप से भी माना जाता है कि मलंगगढ़ को 7वीं शताब्दी में मौर्य राजवंश के राजा नलदेव के जरिए ही बनवाया गया था, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि ये 12वीं शताब्दी में बनी दरगाह है। हिंदू समुदाय का दावा है कि यह समाधि नवनाथ के अवतार श्री मच्छिंद्रनाथ की है, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि यह यमन से आए सूफी की दरगाह है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और अपने अपने तर्क हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि उसे यहाँ पूजा का पूरा हक है, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि यहाँ 800 साल से पूजा और आरती हुई ही नहीं। अगली खबर यह कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नो यो आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सेना के हथियारों की प्रदर्शनी देखी, साथ ही गन को हाथ में लेकर बारीकियों को समझने की कोशिश भी की। सीएम योगी टैंक पर भी चढ़े। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी वीरों की भूमि है और प्रदेश के कई जवानों ने शहादत दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को सेना के शौर्य और पराक्रम को समझने का मौका मिलता है। किम की बारूदी बमबारी, 200 गोलों से तबाही, खबर पर पूरी डिटेल आगे। लेकिन पहले देखिए आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने कहां किया मेगा रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सोलन में रोड शो किया। नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलकर राजनीति नहीं चलती, कांग्रेस लोगों को धोखे में डालकर राजनीति करती है। नड्डा ने कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत की हैट्रिक के बाद अब 2024 में भी जीत की हैट्रिक लगेगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस बार जेल से ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें जेल से नामांकन भरने की अनुमति दे दी है। 27 जनवरी को संजय सिंह की सदस्यता समाप्त हो रही है। दिल्ली दवा घोटाला केस में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय ने एलजी की सिफारिश पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने के आरोप लगे हैं। इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। ईडी में मचे बवंडर के बीच नीतीश कुमार सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक नीतीश कुमार ने खुद कहा कि उन्हें कुछ भी बनने की इच्छा नहीं है। नीतीश के संयोजक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश किसी पद के दावेदार नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री का मुगल प्रेम सामने आया है। जमुई में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुगलों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश को मुगलों ने कभी नहीं लूटा, उन्होंने हमारे देश में राज किया पर सब कुछ छोड़कर चले गए, इस देश को अंग्रेज लूट कर ले गए। उन्होंने बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।